नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और इस वीडियो के माध्यम से मैं मिलवाने वाला हूँ उन होनहार छात्र छात्राओं से जिन्होंने राज्य में या फिर जनपद में स्थान अर्जित कर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही होनहार छात्रा से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी चौहान है। बेटा, आप किस कक्षा में पढ़ रहे थे और किस विद्यालय की छात्रा रही हैं? मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम एमएल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि बच्ची ने बताया कि वो 10वीं की छात्रा है, बेटा हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आपने राज्य में या फिर जनपद में कौन सा स्थान अर्जित किया है? मैंने डिस्ट्रिक्ट में 10th रैंक प्राप्त की है और स्टेट में 18th रैंक। बहुत बढ़िया। बच्ची ने कहा है कि उसने राज्य में 18वां स्थान और जनपद में 10वां स्थान अर्जित किया है। मेरी तरफ से बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सक्सेस तो आपको मिली है नो डाउट, लेकिन सक्सेस के सफ़र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो आपसे कम उम्र के छात्र हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा उनको बताइएगा कि आपका सफ़र कितना कांटों भरा रहा है, किस तरीके से आपने उस सफ़र को पूरा किया है। तो हमारे एरिया में इंग्लिश मीडियम की ट्यूशंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो मैंने जितना भी सिलेबस किया है अपना यूट्यूब से कवर किया है। मैंने ट्यूशंस नहीं थे मेरे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि फ़ोन बहुत ज़्यादा, जब हम फ़ोन से पढ़ते हैं तो एक नोटिफिकेशन ही हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, हम उस नोटिफिकेशन को देखने जाते हैं। तो जब आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी अपने बुक से पढ़ रहे हो तो हमेशा फ़ोन को स्विच ऑफ करके पढ़ें। ओके। गुड़िया ने कहा है कि जिस क्षेत्र विशेष से गुड़िया आती है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो रही है ट्यूशन क्लासेस की। वहाँ उसको ट्यूशंस नहीं मिले हैं, लेकिन उसने यूट्यूब से अपने आप को इतने अच्छे से कवर किया कि उसने राज्य में 18वां और जनपद में 10वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा, जब हम सफ़र में चल रहे होते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कहीं आप अटक रहे हैं तो आपको संभालने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में किन्हीं खास व्यक्ति का या विशेष का या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल का नाम यहाँ पर लेना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मेरे मौसा जी हैं जिनका नाम सुंदर चौहान है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुला लिया था और मेरी बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प कराई थी। ओके। बच्ची ने कहा है कि माता पिता का योगदान तो रहा ही है, लेकिन विशेष तौर पर इनके मौसा जी, उनका विशेष योगदान रहा है। मैं चाहता हूँ कि मौसा जी के बारे में आप डिटेल में बताइएगा, शायद दर्शकों को जानने की उत्सुकता रहेगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एक कर्तव्य निभाया है और आपका देखो जनपद में स्थान आया है। क्या नाम है उनका? मेरे मौसा जी का नाम सुंदर चौहान है, वो NDIC स्कूल में कंप्यूटर के अध्यापक हैं। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं NDIC के जो हमारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं या कंप्यूटर की क्लास लेने वाले अध्यापक हैं, आदरणीय श्री सुंदर सर की, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। बहुत बढ़िया बेटा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ हैं कि आप शायद किसी भी सक्सेस को अगर चूमने जाएं तो वो आपको बहुत आसानी से मिलने वाली है, और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बेटा, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना समय पढ़ाई को दिया करते थे, मतलब स्कूल से आने के बाद किस तरीके से आप स्केड्यूलिंग करते थे अपनी पढ़ाई की, वो हमारे दर्शकों को बताइए। स्कूल से आके तो सबसे पहले खाना वगैरह रेस्ट करते थे, उसके बाद से मैं पढ़ना शुरू करती थी। मैं यूट्यूब से सबसे पहले पढ़ती थी जितने भी मुझे मतलब पढ़ना होता था, उसके बाद मैं उसको दोबारा से रिवाइज करती थी, नोट्स बनाती थी यूट्यूब से पढ़ते हुए, और 11:30-12 बजे तक पढ़ती थी। ओके। तो अगर हम बात करें ईच सब्जेक्ट की, तो आप ईच सब्जेक्ट को कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया हुआ था कि मैं इतना टाइम पढ़ना है, या फिर टारगेट बेस्ड था आपका पढ़ना? नहीं, पर कितना पढ़ना है तो मूड पे डिपेंड करता था। ओके। कि मतलब कभी मेरा मैथ्स पढ़ने का मन होता था तो मैं मैथ्स पढ़ लेती, ऐसा होता था मैं सोचती थी कि मैं रात को मैथ्स पढ़ूंगी, तो मुझसे दिन में नहीं पढ़ी जाती थी कोई सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ने बैठती तो पहले मैं रात को छोड़ के मैं मैथ दिन में पढ़ लेती थी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैं रात में पढ़ती थी, तो मूड पे डिपेंड होता था। मैं कितना भी सोच लेती थी कि मैं इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है तो हो ही नहीं पाता था। बच्ची ने जैसा कि बताया कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, उसका जितना मन, जितना पढ़ने की उसकी इच्छा हुआ करती थी वो उतना पढ़ लिया करती थी। और एक अच्छी बात जानने के लिए मिली है कि बच्ची ने बिना किसी एक्स्ट्रा पे के, ना एक रुपया खर्च किए, यूट्यूब से अपने डाउट्स, अपने आप को प्रिपेयर बनाया, सक्षम बनाया
कि वो जिले में स्थान अर्जित किया है। बेटा जहाँ भी मैं जाता हूँ ये चटपटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लेकिन आपका जो पढ़ने का तरीका था वो ऑटोमेटिकली मोबाइल से कनेक्टेड था। यहाँ पर मोबाइल एक बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चे का फ्यूचर संवारने में या फ्यूचर बिगाड़ने में, मोबाइल एक अहम भूमिका निभाता है। तो आप दर्शकों को कैसे इस मोबाइल की उपयोगिता को लाने में हेल्प करने में मदद करने वाली हैं, तो अपने शब्दों से बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहना चाहते हो उतना नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद से मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, डिलीट कर दिया था सब कुछ। और एग्ज़ाम टाइम पे तो मैंने मतलब सोशल मीडिया को छुआ ही नहीं था। मैंने व्हाट्सअप भी, मतलब अब भी मैं व्हाट्सअप बहुत कम चलाती हूँ, सारा सोशल मीडिया मतलब बहुत कम कर दिया है। और मतलब आप अगर फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए उसका यूज़ करें, जैसे पढ़ने के लिए, अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। बाकी आप जब पढ़ने बैठे तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ही रखें, क्योंकि एक नोटिफिकेशन से ही हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे का कहना है कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखें और कोशिश करें कि मोबाइल से दूर रहें। शायद कोई कमेंट ना कर दे इसलिए मैं बात जानना चाहता हूँ और मैं उन्हें दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें या फिर कहना चाहिए फ्लाइट मोड पर लगा दें। तो क्या आप यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड करके देखती थी या कोई लाइव सेशंस देखा करते थे? मैं मतलब लाइव सेशन तो मेरा मुश्किल से ही हो पाता था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए बैठा नहीं जाता था, मेरी आईज में पेन होने लगता था या हेडेक होने लगता था, तो मैं मतलब कुछ टाइम पढ़ के ट्रेस ले लिया करती थी। तो लाइव सेशंस भी मुझे देखने होते थे तो मैं बाद में देख लेती थी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखती थी मैं। और मतलब ऐसे कुछ रहा नहीं है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती थी, यूट्यूब पर डाउनलोड करके नहीं देखा। ओके, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ही गुड़िया देखती थी। चलिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा गुड़िया से बातचीत करके। अब मैं एक अगले क्वेश्चंस की ओर आना चाहता हूँ। चूँकि आप 10वीं की छात्रा हैं, आगे आपके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या बनना चाहती हैं और किस तरीके से आप उस सपनों को पूरा करना चाहती हैं, सपनों को गढ़ना चाहती हैं? मैं NDA का एग्ज़ाम देना चाहती। तो डिफेंस में ये काबिल तारीफ है, एक फीमेल का डिफेंस की ओर सोचना ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अपने क्षेत्र विशेष की बात करें तो यहाँ पर एक आम बात नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप NDA में जाना चाहती हैं, तो बेचक आप जाइएगा, आप मेहनत कीजिएगा और कुछ आप अपने माध्यम से उन छोटे बच्चों को समझाना चाहती हैं जो आपकी वीडियो से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने वाले हैं। उनका भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाने का सपना जरूर होगा और वो सोच रहे होंगे कि इस तरीके से अगर हमारी रैंक आती है तो रैंक आने पर एटलीस्ट वो इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे और उनको काफ़ी लोग जानेंगे, उनके विचारों को साझा करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको स्किप नहीं करें, मतलब टेस्ट चाहे आपको प्रिपरेशन हो या ना हो आप ज़रूर दें, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। और जब आप टेस्ट देते हैं तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करें और कंसिस्टेंसी से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और कल बिल्कुल नहीं पढ़े। अगर आप 2 घंटे एक दिन पढ़ रहे हो तो हर रोज़ कोशिश कीजिए कि हर रोज़ 2 घंटे पढ़ा जाए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़िए और टेस्ट पेपर को एनालाइज कीजिए आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, फिर उसको सुधारिए। बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि उसने कहा है कि अपने टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि टेस्ट से आपका इवैल्यूएशन होता है, आप अपने अंदर की खामियों को पहचानने का अवसर मिलता है ताकि आप उसको फिर से वर्क करके, उसको फिर से काम करके सुधार सकें और अपने आने वाले उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। दूसरी बात बच्ची ने बहुत अच्छी कही है कि जिस तरीके से इस समय माहौल चल रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं टेस्ट को तो स्किप करता ही करता है और वो पढ़ाई को जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि टेस्ट तो दे ही दें और कंसिस्टेंटली के साथ पढ़ें, मतलब टेस्ट को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। ऐसा नहीं कि एक रात पहले हम लोग तैयार करेंगे और हमारे 15 नंबर एक रात पढ़ने से आ गए तो फिर हम 2 रात पढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप प्रेरणा लेते रहें और अपने आप को भी निखारने का प्रयास करते रहें। मेरी तरफ से, कांट क्षेत्र की तरफ से, पूरे मुरादाबाद जनपद की तरफ से आपको, आपके विद्यालय को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही उन्नति करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू।